हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मेरा मन किया तो मैंने एक वीडियो सोचा कि क्यों ना आज मैं कुकिंग की वीडियो स्पेशल लाऊं। तो आज की रेसिपी मैंने कुछ स्टार्ट की है मटर पनीर की। तो ये मैं अपने पनीर कट कर ली हूँ और उसके बाद की प्रोसेस आप देखते रहिए किस तरह से बन रही है। तो सभी हम लोग सबसे पहले करते हैं कि पनीर को कट करते हैं और उसके बाद हम लोग फ्राई करते हैं, लेकिन आजकल लोग फ्राई नहीं करते हैं, बस ऐसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं। लेकिन मैं विदाउट फ्राई नहीं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे ऑयल या फिर रिफाइन में इसे मैं फ्राई कर लूँगी, जो भी आपके पास ऑयल है। उसे फ्राई करने के बाद अच्छे से रेड करके, ब्राउनिश रेड करके फ्राई करना है। देख लीजिए, कुछ इस तरह मैं फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद सारा प्रोसेस वही सेम रहता है। साथ में मेरे बाबू भी मेरे को परेशान करने के लिए आ गए थे, क्योंकि माँ है तो बच्चे तो माँ को छोड़ते ही नहीं है। फ्राई करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी और एक बॉल में, और उसके बाद मैं हल्का सा मटर भी मैं इसे रोस्ट कर दूँगी, थोड़ी सी करूँगी ताकि इसका ग्रीनिश इसका बाहर आ जाए। इसके मैं अच्छे से धोकर और इसे मैं चेक कर लूँगी कि उसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि ये सफ़र मटर है मार्केट वाली। तो इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स मैं प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज, टमाटर और साथ में जीरा, गोलकी और उसके बाद खड़े गरम मसालों को भी मैं इसमें ग्राइंड कर दूँगी ऊपर से। तो सारे मैं सारे इसमें डाल दे रही हूँ। हमारा मसाला रेडी हो रखा था, उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद मैं कढ़ाई में गरम तेल करूँगी और उसके मैं जीरा, तेज़पत्ता और लाल मिर्च डालूँगी। उसके बाद जो मैंने ग्राइंड किए हुए मसाले हैं उसे मैं डाल दूँगी। इसके पहले मैं हल्दी यूज़ कर दूँगी, क्योंकि हल्दी थोड़ा पक जाएगी। उसके बाद मैं उसे हल्दी और इसमें धनिया मैंने ऐड कर दिया है। उसमें मैं मसाले ऐड करने के बाद उसे तब तक मैं फ्राई करूँगी तब तक उसमें से ऑयल रिमूव ना हो जाए। तो देख लीजिए, सर्दी का टाइम है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। ये वीडियो मैंने बहुत पहले की है, लेकिन मैंने इसे एडिट अब किया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। और उसके बाद मैंने रोस्ट किए हुए मटर को भी मैं डाल दूँगी ताकि अच्छे से हो जाए और उसके साथ वो भी मटर में मसाले पी जाए। उसे मैं अच्छे से फ्राई करने के बाद उसके बाद मैं इसमें अच्छे से फ्राई करते रहूँगी। डीपली फ्राई करने के बाद पानी डालने के बाद उसके बाद मैं इसे मटर उसमें पनीर ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर दूँगी और इसे गाढ़ी पेस्ट तक बनाऊँगी। तो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच।